अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और 3 दिन गुजर गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 3 दिन से हम पानी के किनारे ही बैठे हुए हैं। कुछ ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, तबीयत थोड़ी सी मेरी अप एंड डाउन ही थी बिफोर वी गो, लेकिन वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी वर्स हो गई थी। आई नॉर्मली डोंट गिव अप ऑन व्लॉग्स, मैं इनको साथ साथ करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि बीच में गेस्ट भी आ गए थे कुछ हमारे घर पर, कुछ कहीं जाने का प्लान भी था, किसी से मिलना था मुझे, वो भी आपसे बहुत स्पेशल चीज़ है जो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो मेनी पीपल आर विल बी वेटिंग फॉर दैट व्लॉग जो कि नेक्स्ट वन आने वाला है। किसी से मिली थी मैं, शी अब तो मैंने बता दिया, फीमेल है, यूट्यूबर है, शी इज़ अ मदर। कम्युनिटी पर मैं पिक्चर एक छोटी सी दूंगी, आप उस पर गेस करेंगे, कमेंट करेंगे बिफोर आई अपलोड द रियल व्लॉग। व्हेन आई मेट हर इन द मॉल। अभी हम आते हैं बैक टू द कोस्ट। ये बच्चे जो हैं यहाँ पर खेल रहे हैं और ये लास्ट गेम्स थी जो इन्होंने की थी। सैंडी जो बीच होता है उसके ऊपर ये सैंड कसल बनाते हैं और उनकी बड़ी ज़्यादा तैयारी होती है, बकेट्स पेड और पता नहीं वो कुछ शेप्स होती हैं जो ये लेते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी शॉपिंग करते हैं। लेकिन जो ये रॉकी बीच होता है ना, इस पर बंदा शॉपिंग का तो थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि दे डोंट ओनली बाय सो मैनी थिंग्स। एक बॉल खरीदा था इन्होंने, बॉटल्स थी जूसेस की, जिसे पानी फिल करके एक पडल बना रहे थे। और ये बीच इस सेंस में भी इजी होता है कि जो सैंडी बीच होता है ना, वो सैंड तो पता नहीं बंदे के कानों से भी नहीं निकलती है 3 दिन तक। और इन लोगों के कपड़ों में, जूतों में, आप इनको जितना मर्जी वॉश करो, उधर ब्रॉड स्ट्रेप मतलब सामने साफ पानी का टैप ही लगा हुआ है, लेकिन ये बच्चे कभी भी साफ नहीं होते जूते और सॉक्स में। हम लोग रेत लेके ही ना ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं, फिर जाके दोबारा बाथ का सिस्टम शुरू हो जाता है, इट्स टू मच स्ट्रगल। इसलिए इनको यहाँ लेके आए थे क्योंकि सैंडी बीच पे जाने के लिए बंदे को ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ता है। बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया था, स्पेशली जो हनिया है, मेरे जो बच्चे जब इतने छोटे होते हैं साल से ऊपर के, तो पानी से डरते भी हैं, दे रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। इसरा मूसा 2 साल के थे व्हेन दे केम हियर फर्स्ट टाइम, लेकिन वो बहुत खुश थी, पहले तो पीछे बैठ के खेलती थी, लेकिन असद उसको पानी में भी लेके आए थे, शी वॉज इंजॉइंग सो मच। अपना उसका काम, जूती में पत्थर भर रही थी, वॉक कर रही थी इधर से उधर, उसके बाद उसे पानी में लेके आए थे। वो कह रही थी कि शी वॉज वेरी एक्साइटेड पानी में आने के लिए, देन शी वेंट अंडर द वाटर। वहाँ पे भी उसने इंजॉय किया था। बच्चे खेलते हैं पैक इन वाटर, खाना खा लिया उन्होंने, मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, दोबारा चले गए इस तरह रास्ते में रुक गया, कोई ना कोई चीज़ मिल गई होगी, उसको पॉकेट्स भर के लेके जाके दिखाओ ना तुम जरा इधर। कितने डाले हैं मामा को दिखाओ? 500 हैफ। ये बॉक्स में थोड़ा ना डालो, उसके अंदर टॉय जाएगा ना, बोले भी डालो वापिस। तुझे क्यों हुआ मानी, जब हम यहाँ पहुंचे थे तो उसके 2-3 घंटे तक असद इनको खिलाया था, एंड उसके बाद मैं इनको खाना खिलाने के लिए ऊपर ले आई थी जहाँ मैं बैठी हुई थी। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना, दे लॉस्ट वेरी लॉन्ग इन द वाटर। जब ऊपर लेके आए तो लीसा चूंकि चेंज कर चुकी थी, शी वॉज नॉट गोइंग इन द वाटर, पर इसरा जो है ना, उसकी बैटरी जो है ना बाकी बच्चों से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो उसने तो पानी में और 3-4 घंटे भी रहना है, तो उसको मैंने छोड़ दिया था। इसलिए अपने बच्चों को मैं वेरी लास्ट मिनट चेंज करती हूँ। यहाँ पे आने से पहले जो बैग और जो तैयारी होती है ना, वो मैं आपसे नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा जो बैग है ना, वैसे होता है कि बंदा यहाँ से टर्की जाए ना 3 दिन के लिए, तो इतना बड़ा बैग होता है मेरा। हर बच्चे के अपने पेयर ऑफ ट्राउज़र होता है, टॉप होता है, सॉक्स होती हैं, इनकी चप्पल होती है अलग से, 2-3 टॉवल होते हैं, साथ खाने का सामान होता है, जूसेस होते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड ग्लासेस होते हैं, चप्पल होती हैं, डबल फ्रेम लेके आए हुए थे। अमीर डाक में असद को छेड़ रही थी कि नीचे बैठे हुए थे, ही डजंट नो कि आई एम कमिंग, सो आई जस्ट मैंने सरप्राइज़ दिया था, उन्हें थक गए हुए थे वो बच्चों के साथ, तो मैंने उन्हें कहा था कि आपने अगर ऊपर जाना है नमाज़ पढ़नी, जाके पढ़ो अभी विद देम, क्योंकि अब मैंने को थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था और मैं बच्चों को एंटरटेन करने के लिए नीचे आ गई थी। हफ्सा जो है वो अब मेरे बगैर नहीं जा रही थी, थोड़ा सा रेस्ट करके मेरी थोड़ी तबीयत फ्रेश हो गई थी। बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन टाइड्स जो हैं आज थोड़ी सी लो थी। नॉर्मली पिछली बार जब हम आए हैं ना, तो जो ये सारा एरिया जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे पानी पानी था, वो जो स्टोन्स हैं वहाँ तक ये कवर थे पानी से, और हम लोग उससे ऊपर बैठे हुए थे, तो इसका मतलब है कि ये जो है टाइड्स आज बहुत लो हैं, पानी भी थोड़ा सा इतने प्रेशर में नहीं था, इसलिए मैंने बच्चों को कुछ देर के लिए ना नीचे छोड़ दिया हुआ था। आई वॉज नॉट रियली वरीड, लेकिन कभी कभी पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो देख के मुझे ना अजीब सा डर भी लगता है, तो मैं बच्चों को इस तरह से छोड़ती नहीं हूँ, कोई ना कोई उनके हाथ पकड़ के रखता है, और बच्चे खुद भी जो ना इतना ईजिली नहीं खेलते। सो टुडे वॉज अ परफेक्ट डे, दिस डे वॉज परफेक्ट डे फॉर किड्स टू प्ले। एक दिन के लिए का जो फन होता है ना, उसके लिए आई ऑलवेज प्रेफर
बीच साइड, क्योंकि मुझे खुद पसंद है बीच पे आना, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है बंदे को पानी की आवाज़ सुन के, पानी के अंदर जाके। आई ऑलवेज प्रेफर व्हेन इट कम्स टू वन डे फन, वन डे ट्रैवल, तो आई ऑलवेज प्रेफर बीच। और अगर कंट्री में जाना है, किसी दूर ट्रैवल करना है, तो आई ऑलवेज प्रेफर पाकिस्तान। एंड आई, और अगर दूसरी जगह मेरे जेन में आती है, इफ़ वी आर एबल टू गो, तो मुझे होता है कि उमरा के लिए चले जाएँ, हज के लिए चले जाएँ, सऊदी अरबिया चले जाएँ। इससे अलावा मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर है जी, अपने हस्बैंड की तरफ से भी ऑफर है, बल्कि वो तो पिछले साल फोर्स भी कर रहे थे, अभी तो पेंडेमिक की वजह से कुछ चेंज हो गया हुआ है कि मेरे हमारा टर्की चलते हैं, एक टूर वहाँ करते हैं। लेकिन पता नहीं, जब तक फैमिली बंदे की पाकिस्तान में होती है, मुझे ऐसा होता है जब भी कुछ अरेंज करें ट्रैवलिंग का, तो मैं पाकिस्तान ही ट्रैवल करूँ या मैं हज उमरा करूँ। अभी फ़िलहाल मेरा किसी और तरफ ध्यान नहीं जाता, इंशाल्लाह फ्यूचर में मे बी वी विल गो समवेयर एंड डू व्लॉग्स देयर इंशाल्लाह। शादी के बाद दो बार उमरा के लिए गई थी मैं सऊदी अरेबिया, एंड दोनों बार असद के साथ गई थी। इट वाज मच नीडेड ट्रीटमेंट फॉर माय मेंटल डिप्रेशन। मेरे बच्चे जो हैं वो शादी के 4 साल बाद हुए हैं, और अल्लाह से बड़े मांग मांग के लिए मैंने, बहुत ज़्यादा मेरा दिल बेचैन हो गया था जब मैं उमरा के लिए गई थी और बहुत पुरसकून वापस आई थी। अल्लाह ने कोई तसल्ली दी थी, दिल को बड़ा सुकून आ गया था मेरे, और अल्लाह से मैंने वहाँ पर अगर दुनियावी चीज़ें मांगी थी ना, तो मैंने सिर्फ बच्चे मांगे थे। और माशाल्लाह आपने मेरा घर देखा ही है, अब जब जब मैं इनको देखती हूँ मुझे वो ख्याल ज़रूर आता है, वो उम्रा भी बहुत याद आता है मुझे। बिलीव के जो लास्ट ओवर का व्लॉग है ना, वो मैंने जब देखा तो उसके अंदर भी यही सोचा था मैंने, और यही आवाज़ है मेरी, यही थॉट्स थे। शायद इधर बैठ के सोचने का मौका मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है, तो यही ख्याल मेरे जहन से क्रॉस होते हैं, ये सब मेरे सामने खेल रहे होते हैं, तो शायद इसलिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जी, मौका मिलता है बहुत डीपली इस चीज़ को दोबारा सोचने का। मानिए हम जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं, मेरी पैकिंग आप, सारे बच्चों के कपड़े चेंज कराए मैंने, और हम जो है ना तरफ जा रहे हैं, ड्राई कपड़े पहने हैं, गीले कपड़े सारे बैग में चलेंगे, हम घर जाके धो लेंगे। मूसा उठ जा, मूसा हरिया जी जो है ना स्लाइड ले रहा है जाने से पहले। चलो सर, प्रेम आप लेके जा रहे हैं, यू होल्ड माय हैंड, बाबा प्रेम ला रहे हैं। ये बिन बैग है, इसको भी पकड़ लो। ये हमें कुछ बदतमीज बच्चे आए हैं, उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू किए हैं, मना करने के बावजूद देवर स्टिल गोइंग ऑन। पेरेंट्स जो हैं वो ऊपर बैठ के मुँह देख रहे थे, हमने सोचा वी शुड मेक अ मूव। चलो आ जाओ, ये इधर एनर्जी चाहिए जो आज मेरी बिल्कुल ही कम है, मैं सबकी हेल्प भी नहीं करवा सकती, मुझे तो एक पैरास्टामोल की ज़रूरत है, मैं जाके खाती हूँ फिर। चलो सर क्विकली क्विकली, सर में बहुत दर्द हो रही है, अंदर कुछ सिटिंग एरिया वहाँ जाके बैठती हूँ, बच्चे अंदर ही खेलते हैं कहीं। चलो जी, सारा सामान जो हमने समेट लिया, सबसे मुश्किल काम जो है वो सतूत का है, और ये बच्चा जो है ना हेल्प के नाम पे ना लिटरली लटक रहा था प्रेम के साथ, मेक इट मोर हार्ड टू पुल इट अप। लेकिन असद ना इनकी चीखों से इतना चलते हैं कि उन्होंने इसको साथ ही सीट लिया था प्रेम के साथ ही ऊपर बजाई है, कि उसको कहते हैं कि हफ्ता उसको नहीं खींचो या वेट बढ़ रहा है, उन्होंने प्यार से कहा जी हफ्ता तो मेरी हेल्प कर रही है, एंड वी गॉन अप। ये ऊपर एक नया एंटरटेनिंग पॉइंट आ गया जी, हम जब तक अपने शूज़ वगैरह बदल रहे थे, बच्चे जो है ना इस दीवार के ऊपर चल के अपने आप को बैलेंस कर रहे थे, और मुझे हार्ट अटैक भी दे रहे थे साथ साथ, क्योंकि हफ्ता जो है स्पेशली दीवार जितनी ऊपर को जाती है उतनी ज़्यादा थिन होती जा रही थी, एंड शी फेल वंस, और अगर मैं पास ना होती तो हफ्ता का सर फट जाना था गिर के, मैं उसके पास ही खड़ी थी, तो मैंने इसको पकड़ लिया था फ़ौरन से। लेकिन उतर ये फिर भी नहीं रहे थे जब तक हमने अपने बैग्स को रीअरेंज किया है, जो सारा सामान है वो वापस डाला है, एंड वी आर गेटिंग रेडी टू वॉक। तब तक बच्चों को यहाँ पर खेलने दिया था हमने, कुछ थोड़ी सी पिक्चर्स ली थी, क्योंकि ये व्यू पॉइंट जो है बहुत खूबसूरत था। इसके पीछे जो है होटल्स बने हुए, जैसे हर कोस्ट के साइड पर होते हैं, लोग आके रहते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, लोग हॉलीडेज़ में आके यहाँ पर रहते हैं, बट वी आर लकी इनफ के हम लोग यहाँ पे कभी ओवरनाइट स्टे नहीं किया हमने, क्योंकि ट्रैवल जो है वो असद चूँकि TFL के लिए काम करते हैं, तो ट्रैवल हमारा फ्री है, स्पेशली कुछ ट्रेन पे फ्री है, लेकिन कुछ ट्रेन पे हमें अच्छा सा डिस्काउंट मिलता है, बड़े ब्लेसिंग है ये बहुत बड़ी, इसीलिए ये बच्चे जो है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त फिरते रहते हैं उन जगहों पे, नॉर्मली लोग जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा नहीं जाते, जब जब असद का डे ऑफ होता है वो इन्हें ले जाते हैं, क्योंकि टिकट्स पे हमारा बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं होता, उससे ज़्यादा खर्चा बच्चे यहाँ आके शॉपिंग करके कर लेते हैं। बरहल इट्स नॉट द सेम थिंग ऑब्वियसली, जब टिकट पे आप स्पेंड करते हो लाइक लमसम अमाउंट आप देते हो, उसके बाद जाहिर है आप ज़्यादा इंजॉय तो नहीं कर सकते, क्योंकि बजट के अंदर ही रहना होता है, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सिस्टम। लेकिन चूंकि हम टिकट्स पे बिल्कुल भी नहीं खर्चते हैं, कोई पैसा भी नहीं जाता है, तो बच्चे
यहाँ पे आके जब तूफान करते हैं तो हम जरा ये समझते हैं कि चलो थोड़ा सुकून से गुजार लें, खरीद लें तो कोई बात नहीं, चुप किए रहे, खुश रहे। इन्होंने बबल्स खरीदे हैं, सब एंटरटेन कर रहे हैं, और ये बच्चा जो है ना, इसको टायर्डनेस हो रही थी, शी इज जस्ट फसी एनीवेज। बच्चे के 2 साल के करीब जब वो पहुंचे तो जो बड़े दांत निकलते हैं ना, वो निकल रहे हैं, और बड़े दांत निकलते निकलते ना माँ के सारे लूज हो जाते हैं, दे डिस्टर्ब दैट मच। शी इज गोइंग थ्रू स्लीपलेस नाइट, शी इज गोइंग थ्रू टीथिंग, शी इज गोइंग थ्रू द फेस। जब बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं तो हनिया का ये फेस चल रहा है, विच इज़ वेरी अमेजिंग फॉर मी टू। मेरा तो दिमागी तोज़न ही जो है ना वो खिसक जाता है इतना ज़्यादा जाग जाग के। ये कॉस्टा है, यहाँ पर हॉट चॉकलेट लेने के लिए आए थे हम, कॉस्टा इंडोवर। इफ़ यू गो देयर तो मेरी ये भी बात याद रखिएगा कि इनका स्टाफ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। जब जब भी हम आए हैं ना, इनका मुंह ऊपर नीचे हो रहा होता है इंस्ट्रक्शंस देने, वो इस तरह से आती है जैसे हमें पता ही नहीं चेयर पे बैठना कैसे। बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने यहाँ पे काफ़ी बच्चों को दिलाई थी, उनका टॉयलेट बाथरूम है, बच्चे सारे जो है वो वॉशरूम से फारिग हो रहे थे ना, वॉशिंग देयर हैंड्स। एक वॉशिंग पॉइंट भी है जी हमारे लिए और टॉयलेट यूज़ करने का भी। इसके अलावा हम जो है जो सैंडविच वगैरह तो नहीं खरीदे थे, सिर्फ बच्चों को कॉफ़ी दिलाई थी, क्योंकि वो जो चिली सा होता है ना बीच के बाद, वो सिस्टम थोड़ा सा खत्म हो जाए, बच्चों को सर्दी ना लगे, बिकॉज फ्यू ऑफ देम वॉज हैविंग रनी नोज। सो मुझे ये था कि बच्चे थोड़े से वार्म हो जाएंगे। यहाँ पर बैठ के जो टॉयज़ इन्होंने लिए थे उसको खोलने के चक्करों में थे कि हम टॉयज़ खोलें और उसे खेलें, लेकिन जब टॉयज़ खुल जाते हैं ना, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो संभालने में मुश्किल हो जाते हैं। जब कोई पार्ट घूम जाता है फिर ट्रेन में मेरी शामत आ जाती है कि मैंने संभाला नहीं है, दिस दैट एंड अंदर। तो मैंने सारे जो है ना प्रैम की नीचे बड़ी डीप बास्केट के अंदर डाले हुए थे, ताकि मुझसे कोई डिमांड ना करे कि मैंने टॉय खोलना है या मेरे से हेल्प करो। या सिर्फ यहाँ पर काफ़ी पीनी थी, काफ़ी पीने के बाद थोड़ी सी बाहर वॉक करनी थी और उसके बाद हमने स्टेशन की तरफ जाना था। अच्छा जी, दूसरी बड़ी मेरी जो शॉपिंग थी वो ये थी, आई नॉर्मली डोंट डू शॉपिंग, लेकिन मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। ये क्या है, पेप्को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक्चुअली रीड कर रही हूँ पर क्योंकि मुझे नाम भूल गया हुआ है। पाउंडलैंड में बहुत बार गई हूँ मैं, बहुत बार मैं वहाँ से चीज़ें खरीदती हूँ, लेकिन ये है कि इनका कोई कपड़ों वाली साइड भी है, आई डिड नाउ दैट। अब कुछ खवातीन जो है वो हंस भी रही होंगी क्योंकि पिछले दिनों मैं कोई ब्लॉग देख रही थी तो उसके अंदर वो टीके मैक्स मुझे दिखा रही थी, मैंने उसके नीचे कमेंट लिखा था कि नेवर बीन इन टीके मैक्स एंड आई एम लिविंग हियर फॉर लास्ट लाइक 11 ईयर्स। ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतने साल गुजारने के बावजूद भी मुझे नहीं पता होती, जैसे कि ये बड़ा फनी एक चीज़ थी कि पाउंडलैंड का एक अपना कपड़ों का ब्रांड भी, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मुझे पसंद बहुत आया था। इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, कुछ ब्रांड कुछ मतलब कंपनीज़ के भी थे, दूसरे ब्रांड्स के कपड़े भी थे, लेकिन उनके अपने भी थे। चीज़ें वैल्यू में मिलती हैं जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो मैं ब्रांडेड और बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाके स्टोर्स पे जाके उनके लिए शॉपिंग नहीं करती। बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, जो मतलब जिनका एक साइज़ होता है फॉर फ्यू ईयर्स, उनको बंदा एक मैं एक्सपेंसिव चीज़ ला दे डज मेक सेंस, लेकिन जो बच्चे अभी चलना शुरू हुए हैं उन्होंने पजामे बाहर गिर गिर के फाड़ नहीं है। सो आई जस्ट स्टे लाइक बहुत ज़्यादा चीप नहीं, लेकिन एक अच्छे लेकिन वैल्यू में चीज़ें खरीदी थी, वेरी ऑनेस्ट माई वे ऑफ डूइंग थिंग। तो यहाँ से मैंने हनिया के लिए ट्राउजर्स, उसके लिए टॉप्स खरीदे थे, उसके बाद दीज गर्ल्स जस्ट स्टार्ट गोइंग मैड अगेन, और मैं इनके पीछे पीछे भाग रही थी। अब हम भाग इसलिए रहे हैं कि हमने वापसी की ट्रेन पकड़नी है, वो ट्रेन का टाइम जो है उसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट थे, एंड वी वर क्लोज टू द स्टेशन एनी वेज। तो इन बच्चों को मैंने इकट्ठा किया एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द ट्रेन स्टेशन, और यहाँ पे हम ट्रेन के अंदर आके बैठ गए हैं। जो ट्रेन का टाइम हमने डिसाइड किया था अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम ट्रेन पे पहुँच गए थे। ये बिरयानी का एक कंटेनर बचा हुआ है और एक पास्ते का भी, एंड एवरीबॉडी वाज सो हंग्री। तो ये फूड का वाला टेबल था, इस वाला जहाँ पर हमने कंटेनर रखे हुए थे, और सामने वाला टेबल जो है वहाँ पर बच्चे बिठाए हुए थे। जिस चीज़ ने खाना खाना था वो इस टेबल पे आता है, जिस चीज़ ने खेलना था वो उस टेबल पे आता था। ये था हमारा जनाब ट्रैवल ब्लॉग जो आज खत्म हो गया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कितनी सारी मेहनत की है इसके ऊपर मजाक करिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।